पति पत्नी के रिश्ते में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड कुछ शब्द बोलेंगी नहीं और वो आपको समझ के लेना पड़ता है, तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरी पत्नी समझती ही नहीं है, वो कुछ बोलती ही नहीं है, मुझे गेसिंग करना पड़ता है कि अभी इसको क्या चाहिए क्या चाहिए कर, तो उसके बारे में जरा बोलूँ। या कोई लड़के लोग आते बोले मेरे गर्लफ्रेंड ऐसी है और उसको समझना बहुत मुश्किल है, वो कुछ बोलेंगे नहीं साफ, तो उसके बारे में मुझे आपसे जानकारी लेनी है क्योंकि हमारी अनबन बढ़ रही है। तो ठीक है, बात करते हैं। तो उनसे जो बातचीत हुई वो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करेंगे। तो क्या होता, नंबर एक, लड़की ऐसा कभी बोलेंगी नहीं अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को कि मुझे बोर हो गया है। यदि आप बोलते गए वो सुन रही है तो उसका ख्याल आपके ऊपर ज़्यादा रहता नहीं है, वो अपने ख्यालों में रहती है और वो फिर वो बोलेंगी नहीं कि मुझे बोर हो गया, और वो बोर हो गया बोलेंगी नहीं और फिर वो अपने कृति में बताएंगे, जैसा आपके फ़ोन लेंगी नहीं, आपको निग्लेक्ट करेगी, हो सकता है कि ज़्यादा हो गया तो आपको ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आप ज़्यादा बात कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा बात करवाने लगा रहे। तो कभी भी रिश्ते में बोर करना नहीं है सामने वाली को, बोर करेंगे तो कभी बोलेंगी भी नहीं कि मैं बोर हो रही हूँ करके, आपको गेसिंग करते रहना पड़ेगा। नंबर दो, आपने अच्छे कपड़े पहने, आपने अच्छा ड्रेसिंग किया तो लड़की का ख्याल कभी आपके तरफ रहेगा नहीं, वो आपको कभी बोलेंगे भी नहीं कि नहीं आप अच्छे दिख रहे हैं, आपका ये ड्रेस अच्छा है, ऐसा कभी वो बोलेंगे नहीं। तो ये आपने अपेक्षा कभी रखना नहीं है कि मैंने इतना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, इतना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है और मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड कुछ बोली नहीं रही है मेरे को, तो ऐसा आपने कभी अपेक्षा करना नहीं, वो कभी ऐसी बोलेंगे नहीं। कभी आपने आपके फ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए या पत्नी के लिए आपने कोई बड़ा गिफ्ट लाया तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि थैंक यू वेरी मच, उसको लगता है कि नहीं नहीं ये गिफ्ट जो लाया ना वो मेरे प्यार का प्रतीक है और मैं उसके वर्थ हूँ और वर्थ हूँ इसलिए उसने दिया मुझे, तो वो कभी ऐसा खुद हो के आपको धन्यवाद नहीं बोलेंगे। यदि आपकी अपेक्षा रखते आप कि मुझे धन्यवाद देंगी या मेरे को थैंक यू बोलेंगे, एक्नॉलेजमेंट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो ऐसा मत करो, आपकी नाराजगी उसमें आ जाएगी। नंबर चार, वो कभी ऐसा बोलते नहीं कि मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है, मगर आप यदि चॉकलेट देंगे तो वो ले लेंगे। क्या होता है कि लड़कियों को या लेडीज़ को चॉकलेट अच्छा लगता है काफ़ी, और वो चॉकलेट काफ़ी, देखो आप 90% लेडीज़ को चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है। आप यदि चॉकलेट की गिफ्ट देते हो तो कुछ बोलेंगे नहीं कि आपने लाया चॉकलेट मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच, उसको लगता है कि हाँ चॉकलेट लाया तो क्या हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा वो बोलेंगे। पांचवा जो है वो, उसका पूरा ख्याल अपने खुद के ड्रेस के ऊपर होता है। तो आपका रिश्ता कितने भी दिन का हो, कितने भी दिन का हो, आपको उसको अप्रिशिएट करना है, वो अपना ख्याल अपने ऊपर रखेंगी और अपने बारे में ही सोचेंगी, आपको ऐसा कुछ पूछेंगी नहीं कि मुझे मैं कैसे दिख रहा हूँ या आप मुझे कुछ बोलो, वो ऐसा आपको कुछ बोलेंगी नहीं। आपको ये गेस करना पड़ेगा कि जब वो ड्रेस अच्छा पहनती है तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वो कभी बोलेंगी नहीं मुझे अप्रिशिएट करो, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एक हमारे मित्र है, शादी को उनके अभी 51 साल हो गए, 51 ईयर्स, और वो बोल रहे हैं कि मैंने मेरे पत्नी को 51 साल में कितने बार, मतलब हजारों बार अप्रिशिएट किया होगा कि वो कितनी अच्छी दिखती है साड़ी में या जो ड्रेस पहना है उसमें, और हर बार मैंने अलग अलग तरह से अप्रिशिएट किया हुआ है और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो चाहती है कि मैंने मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, हस्बैंड ने या अपने बॉयफ्रेंड ने अप्रिशिएट करना चाहिए, वो बोलेंगे नहीं वो मुझे अप्रिशिएट करो। छठवां पॉइंट, वो कभी अपने फ्रेंड के बारे में, उसकी कोई सहेली है उसके बारे में कभी अच्छा बोलेंगे नहीं, और आप यदि कोई लड़की के बारे में अच्छा बोलते तो वो सहन करेगी नहीं और बोलेंगी भी नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप पड़ोसी के बारे में कुछ बोलते हैं कि भाई पड़ोसी की देखो भाभी कैसी है और वो अच्छा खाना बनाती है, उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो उसको सहन होगा नहीं और बोलेंगे भी नहीं, आपके रिश्तों में तनाव आ जाएगा, बोलेंगे भी नहीं और दिमाग में रखेगी। नंबर सातवा पॉइंट ये है कि वो समझो मायके जा रही है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं मायके जा रही हूँ, आप अपने दोस्त को बुलाओ पार्टी करो मजा करो, या आपके बहन को बुलाओ या अपने माँ को बुलाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगी, मैं मायके जाऊंगी और आप तड़पो, मतलब आपको तकलीफ होना चाहिए उसको ऐसा लगे, और ऐसे बोलेंगी नहीं कि वो आपको तकलीफ होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ बोलेंगी नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो कमी है वो महसूस होना चाहिए और जैसे महसूस होंगे तो उनको मेरी कीमत मालूम पड़ेगी और इसलिए वो कुछ बोलेंगी नहीं कि आप क्या करो,
उसको एक ही रहता है कि मेरी कीमत समझना चाहिए और उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यदि आप समझ जाते हैं और समझ के वो हिसाब से बर्ताव करते हैं तो क्या होगा, आपसी तनाव जो है वो कम हो जाएंगे, आपसी मतभेद जो है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि यदि सामने वाला बोलता नहीं है मगर आपको ऐसी अपेक्षा है कि उसने बोलना चाहिए मगर बोल नहीं रहा है, फिर आपको गेसिंग करके वो हिसाब से बर्ताव करना चाहिए और वो करना जरूरी है ताकि आपसे रिश्ते जो है आपके वो अच्छे बने रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी आपके दोस्त लोगों को शेयर करो, पति पत्नी को शेयर करो, ताकि उनके आपसे रिश्ते बहुत बढ़िया और एक नंबर के हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।